पशु तस्करी मामले को लेकर मंगलवार को भी अनुव्रत मंडल सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। अनुव्रत मंडल के वकील ने कहा है कि वह पशु तस्करी मामले में सीबीआई कार्यालय नहीं जाएंगे जब तक कि उनके द्वारा अनुव्रत मंडल उच्च न्यायालय में दायर मामले का निपटारा नहीं हो जाता। मंगलवार को अनुव्रत मंडल ने एक वकील के माध्यम से पत्र भेजा कि फिलहाल उन्होंने सीबीआई के नोटिस को खारिज करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में केस दायर किया है। उनकी सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है। तब तक वीरभूम के तृणमूल अध्यक्ष ने एक पत्र में स्पष्ट किया है कि वह सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। आपको बता दें, मवेशी तस्करी कांड में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील की है। मवेशी तस्करी मामले में वीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को नामजद किया गया है। इस मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन बार बार तलब करने के बावजूद तृणमूल नेता पेश होने से बचते रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मवेशी तस्करी कांड के मुख्य आरोपित इनामुल हक से अनुव्रत मंडल की साठगांठ के पुख्ता सबूत मिले हैं। इनामुल से पूछताछ में पता चला है कि उसके कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क है, जिन्हें मवेशी तस्करी से होने वाली काली कमाई का एक हिस्सा भेजा जाता था। इससे पहले सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दुर्गापुर स्थित अपने कैंप में तलब किया था। उस समय भी अनुव्रत मंडल ने अस्वस्थ होने का हवाला दिया था और हाईकोर्ट का भी रुख किया था। अदालत ने उस मामले में अनुव्रत मंडल को अग्रिम जमानत दी थी। इसके साथ ही साथ सीबीआई का सहयोग करने को भी कहा गया था। पशु तस्करी मामले को लेकर मंगलवार को भी अनुव्रत मंडल सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। अनुव्रत मंडल के वकील ने कहा है कि वह पशु तस्करी मामले में सीबीआई कार्यालय नहीं जाएंगे जब तक कि उनके द्वारा अनुव्रत मंडल उच्च न्यायालय में दायर मामले का निपटारा नहीं हो जाता। मंगलवार को अनुव्रत मंडल ने एक वकील के माध्यम से पत्र भेजा कि फिलहाल उन्होंने सीबीआई के नोटिस को खारिज करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में केस दायर किया है। उनकी सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है। तब तक वीरभूम के तृणमूल अध्यक्ष ने एक पत्र में स्पष्ट किया है कि वह सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। आपको बता दें, मवेशी तस्करी कांड में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील की है। मवेशी तस्करी मामले में वीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को नामजद किया गया है। इस मामले में सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन बार बार तलब करने के बावजूद तृणमूल नेता पेश होने से बचते रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मवेशी तस्करी कांड के मुख्य आरोपित इनामुल हक से अनुव्रत मंडल की साठगांठ के पुख्ता सबूत मिले हैं। इनामुल से पूछताछ में पता चला है कि उसके कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क है, जिन्हें मवेशी तस्करी से होने वाली काली कमाई का एक हिस्सा भेजा जाता था। इससे पहले सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में दुर्गापुर स्थित अपने कैंप में तलब किया था। उस समय भी अनुव्रत मंडल ने अस्वस्थ होने का हवाला दिया था और हाईकोर्ट का भी रुख किया था। अदालत ने उस मामले में अनुव्रत मंडल को अग्रिम जमानत दी थी। इसके साथ ही साथ सीबीआई का सहयोग करने को भी कहा गया था।